नहीं मतलब जब लाइव शुरू हो तब अच्छा कलेक्टिव से आज यहाँ जुड़े हुए सारे साथियों को और जो साथी फेसबुक में भी आज जुड़े हैं इस डिस्कशन में उनका स्वागत करती हूँ और क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। हम जैसा कि जानते हैं आज के डिस्कशन का टाइटल है हिजाब बैन हिंदू राष्ट्र इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्म्स। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कैसे कर्नाटका के कई शहरों में अलग अलग कॉलेजेस में एडमिन द्वारा ऐसे नियम लाए गए कि हिजाब पहन के जो मुस्लिम महिला स्टूडेंट्स आ रही हैं कॉलेज में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा और ये इस मतलब इस जस्टिफिकेशन के साथ किया जा रहा है कि ये शिक्षा संस्थानों में एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और इसको पूरा करने के लिए बेसिकली कोई भी जो आपका मार्कर है रिलीजियस अफिलिएशन का उसको अलाउ नहीं करने के नाम पे बेसिकली ये किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैसे बाकी जो राइट विंग ग्रुप्स हैं कर्नाटका में उनके द्वारा भी लोगों को मोबिलाइज करके मतलब इन्हीं कॉलेजेस में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश करी जहां हमने कई वीडियोस ऐसे देखे कि बहुत सारे लोग लड़के बेसिकली और एक्चुअली फीमेल स्टूडेंट्स भी उनको सैफरन शॉल्स देकर उनसे जय श्री राम के नारे बुलवा कर एक तरीके का डर का माहौल बनाया गया है। जस्ट टू लाइक एलैबोरेट द पॉइंट फर्दर एंड ऑल्सो ऐड कि आज का सेशन बेसिकली दोनों इंग्लिश और हिंदी में होगा तो अगर किसी साथी को किसी भी एक भाषा में ज्यादा दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फेसबुक पे जुड़े हैं तो कमेंट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आई कैन ट्रांसलेट फ्रॉम इधर ऑफ द लैंग्वेजेस। सो हाँ लाइक आई वाज सेइंग कि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई उसके संदर्भ में आज हम जुड़ रहे हैं। इसमें कुछ इश्यूज निकल के आते हैं कि ये बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म के नाम पे बेसिकली हिजाब को मना किया जा रहा है लेकिन ये एक बेसिकली एक फ्लॉड और इस समय में एक्चुअली एक प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है कि सेक्युलरिज्म का क्या मतलब इस देश में होगा उसको बदलने की कोशिश करी जा रही है और एक्चुअली उसको एक मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ धकेल कर एक हिंदू राष्ट्र का सपना बेसिकली पूरा करने के लिए ये किया जा रहा है यूनिफॉर्मिटी के नाम पे जबकि मुद्दा यूनिफॉर्मिटी का है नहीं। इनफैक्ट भारत में कभी भी सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं रहा कि पब्लिक स्फीयर में रिलीजन का एक्सप्रेशन एकदम मतलब अलाउड नहीं होगा रादर स्टेट का ये रिश्ता रहा रिलीजन के सवाल पे कि सारे ही धर्मों को और सारे सब लोगों को सब धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने का और उसको प्रोफेस करने का हक होगा एज लॉन्ग एज इट डजंट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। तो इसका कंप्लीट मतलब इसको इसका उल्लंघन करते हुए संविधान में जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू इक्वालिटी जो इंश्राइंड है उसका उल्लंघन करते हुए आज मुस्लिम महिला स्टूडेंट्स पे ये अटैक किया जा रहा है राइट विंग के द्वारा। इसी के साथ साथ जोड़ के ये भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहा। कई कॉलेजेस में एक्चुअली देखा गया कि पहले ये मतलब जो सैफरन शॉल पहन के ग्रुप्स स्टूडेंट्स के जय श्री राम के नारे लगाए गए
और उसके बाद बोला गया कि फिर बेसिकली कोई भी रिलीजियस एक्सप्रेशन अलाउड नहीं होगा, और इसके नाम पे बेसिकली हिजाब को भी बैन किया गया, जबकि उल्टी चीज बेसिकली हर जगह बोली जा रही है कि इंस्टिगेशन किसी और जगह से बेसिकली हुआ था। और ये एक इकलौता इंसिडेंट नहीं है ऐसा कर्नाटका में, मतलब देश के स्तर पे तो है ही, बट कर्नाटका में भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से एक्चुअली इस तरीके के अटैक माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, राइट विंग ग्रुप्स द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। कई हत्याओं की खबर हमारे पास, कि हेट क्राइम्स बेसिकली बढ़ाए जा रहे हैं लव जिहाद के नाम पे, ऑल बेसिकली बनाया रखा जाए ताकि एक हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट की तरफ हम जो आरएसएस का सपना है उसको पूरा करा जाए। लेकिन आज एक्चुअली स्टेक किस चीज का है कि एक्चुअली शिक्षा का हक किसको इस देश में मिलेगा, वो एक रियल डिबेट का आज मतलब वो आज एक्चुअली सही सवाल है। और इसमें भी अगर हम देखें तो मुस्लिम महिला स्टूडेंट्स के अगर बात करें तो देश में जनरली मतलब एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी से भी मतलब कोई भी आंकड़े देख लें उससे भी कम भागीदारी रही मुस्लिम्स की शिक्षा में, और पर्टिकुलरली मुस्लिम विमेन के अगर आंकड़े देखें तो ये बहुत ही बेसिकली उनका प्रपोर्शन बहुत ही कम रहा। अगर कुछ एक दो साल पहले के ही आंकड़े देखें तो केवल 13% मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स भारत में एक्चुअली कॉलेजेस में दाखिला ले पाई, और कर्नाटका में ये संख्या 15% रही। और इसको आज और बेसिकली बढ़ाने के बजाय बेसिकली ऐसे चीज करी जा रही है, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे कैंपेन्स करे जा रहे हैं कि ये शिक्षा का जो अधिकार है वो और भी पीछे चला जाए, और भी मुश्किल हो मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना। तो इस इन सवालों के साथ और इन मुद्दों के साथ आज हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। डिस्कशन में आज हमारे साथ तीन वक्ता हैं, बेबाक कलेक्टिव से हसीना खान। बेबाक कलेक्टिव मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों को लेकर एक फोरम है जो कर्नाटका जनशक्ति से। लाइक टू इनवाइट नाकर, आई थिंक कैन स्पीक फॉर अराउंड 20 डिस्कशन मेकिंग, जो भी सवाल या कमेंट लोगों के जहन में शेयर कर सकते हैं। तो या नसरी डिस्कशन, नसरीन हम शुरू कर रहे हैं तो आप अपना रख सकते हैं। ओके, सबको जय भीम, लाल सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का इशू जो शांभवी ने बताया, पूरा प्रोसेस पूरे कर्नाटका में जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहा है, जो पूरा पूरा तो हम पेट्रियार्की तो पूरा है,
जो हिंदुत्व का जो सोच है वो पेट्रियार्की से ही बुनियादी पे ही निकला हुआ है, तो इसको हम जरूर हम ये करना चाहिए। जो हिजाब कर्नाटका में जो हिजाब इश्यू आया है तो ये एक नया नहीं है। जो शामबाजी ने बोला था पिछले एक साल से जो हिंदुत्व का प्रयोग कंटिन्यूसली जो क्रिश्चियंस के साथ, और पिछले दो महीने पहले हम जो जो एक 100 लड़कियों जो भी जो 100 मुस्लिम औरतों को सुन्नी डील्स बुली बाइस को इश्यू को लेकर भी लेके भी एक ये हुआ था, वो पूरे जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, अलग अलग क्षेत्र में मुस्लिम औरतें जुड़े हुए मुस्लिम औरतें ही थे। तो यहाँ पे सीधा मालूम पड़ता है कि ये इनका टारगेट क्या है, क्यों ये लोग यहाँ के एक डाइवर्ट कर रहे हैं और कैसे इसको प्रयोग में कर्नाटका में जो प्रयोग। हेलो, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट नसरीन, एक्चुअली आपका कैमरा ऑन आप कर सकते हैं अगर तो। नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए शायद। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी नेटवर्क इश्यू हो तो मैं उसको ठीक करता हूँ। हाँ। तो ये हिंदुत्व का प्रयोग हम देख रहे हैं और वहां पे भी जो मुस्लिम औरतें टारगेट हुई थी, जो सरकार के सरकार को प्रतिरोध, सरकार के जो भी इश्यूज है उसको प्रतिरोध देते हुए औरतों को टारगेट उन्होंने किया था, तो ये एक हमने देखते आए हैं। और जो हिजाब जो है टारगेटेडली इसको खींचा गया है, जो इश्यू नहीं तो बहुत छोटा इशू था, सिर्फ वो लड़कियों की एक छोटी डिमांड थी हम हिजाब के साथ, उन्होंने बोला नहीं कि बुरखे के साथ नहीं, सिर्फ हिजाब के साथ हम हमारा हक है, तो उसको हमको जो हमारा हक है वो हमको चाहिए। जो बिना साथ में घरों में बिना हिजाब उनको एजुकेशन को अलाउड नहीं है, तो इस बेसिक यहाँ पे इन लड़कियों का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन और राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस का जो है उसको वायलेशन सरकार से किया गया है। और साथ में जब हम श्यामल ने मेंशन किया था कि जो ये मुस्लिम समुदाय है एससी एसटी से भी ज्यादा पिछड़ी हुई समुदाय है, तो यहाँ जो कोविड इम्पैक्ट के बाद जो इस मुस्लिम समुदाय के ऊपर बहुत बड़ा सा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम समुदाय जो पिछड़ी हुई समुदाय है वो डेली वेज लेबर के ऊपर डिपेंड है, छोटी मोटी कामों के ऊपर, कामगार के ऊपर डिपेंड है, पूरा उनके कामगारी के ऊपर पूरा इफेक्ट हुआ है। तो बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां हायर एजुकेशन से एडमिशन तक नहीं पहुंची है इस हालात के, जो इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से हायर एजुकेशन एडमिशन तक भी नहीं हुआ है जो। और साथ में इस जो समुदाय है वो मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट का जो इट्स ये है स्टैंडर्ड है मिनिमम वेजेस का ये है उससे भी बाहर है, ये हम सब जानते हैं। इस इन हालातों के साथ इन एजुकेशन को वहां पहुंचना भी बहुत चैलेंजेस है, स्पेशली मुस्लिम लड़कियों को, सब पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे, मुस्लिम लड़कियां भी है, और मुस्लिम लड़कियों का और एक दूसरा चैलेंज है उनका एजुकेशन बेसिस ऑन देयर कपड़े के ऊपर है, क्योंकि उनका जो ड्रेस चॉइस, अगर उनको एजुकेशन पाना है तो उनका जो हिजाब बुरखा है वो कंपलसरी वो डाल के जाना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ छोड़ के ही आगे आगे बढ़ना है। ये दो इश्यू से, अलग अलग इश्यू से ये लड़कियां तो इससे बाहर है। ये ऑलरेडी नंबर्स ने बताया, शाह भाई ने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो एजुकेशन रेट है कर्नाटका में क्या 10 सालों में 15.61 इतना ही आगे बढ़ी है, ज्यादा नहीं है। अगर हम हिंदू लड़कियों के कंपेयर करने से 10% बहुत पीछे है मुस्लिम लड़कियां हायर एजुकेशन में, अगर हम कंपेयर कर सकते हैं तो जो ये लड़कियों के ऊपर दुपट्टा जो कपड़े वेल है बहुत मायने करता है। और ये जो प्रोजेक्शन प्रिजुडियस जो सरकार जो प्रिजुडियस कर रही है और पोलराइजेशन कर रही है जो स्टूडेंट्स के साथ, और सारा बहुत गैप क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ी उन्नार यहाँ पे जो ये कर रहे इस सरकार से किया जा रहा है, तो ये हमको क्लियरली लगता है कि और भी गैप जो है कम्युनिटीज में कैसे ये पैदा करे, तो इस सरकार इसके पीछे पड़ी हुई है। और साथ में हायर एजुकेशन जो मुस्लिम लड़कियां हो या दलित, ऑलरेडी सबके साथ चल रहा है, नॉट ओनली मुस्लिम्स,
जो पीएचडी लेवल में पढ़ रही है, अलग अलग हायर एजुकेशन पढ़ रही है, पहुंच रही है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली पीछे है, वो वहां पे अफोर्ड नहीं कर सकती जो एजुकेशन हायर एजुकेशन है, तो वहां भी सरकार उसको एक लगाम वहां भी उसको दिया है। तो ये हालात भी एक साथ हिजाब है, और एक साथ वो लोग इस क्षेत्र में एंटर ना हो, तो इसके लिए भी सरकार की पूरी प्लान वहां पे ये चल रही। ये तो पूरा आप सबको भी, हम सबको भी जानते हैं जो आंकड़े हमारे सामने है क्या हो रहा है। और साथ यह है कि मुस्लिम औरतें अलग अलग क्षेत्र में दिख रही है, अभी पब्लिक सेक्टर में दिख रही है, बैंकिंग में है, और आईएएस लेवल आईएएस पे टॉपर आ रही है। अगर मुस्लिम औरत आईएएस टॉपर आती तो उसको बना देता है कि आईएएस जियार। अगर कोई भी कुछ भी छोटा भी इश्यू हो उसको कम्युनलाइज को उसको कन्वर्ट किया जाता है, और फिर बोला जाता है कि इस मुस्लिम लड़कियों के पीछे कोई शक्तियां है, कोई इंटरनेशनल अलग अलग ग्रुप है। तो ये लोग ये समझना है कि पिछले एक साल से जो मुस्लिम कम्युनिटी, और स्पेशली इस बार जो मुस्लिम औरतों को खींचा जा रहा है, इन लोगों के पीछे कौन कौन बड़े बड़े शक्तियां जो काम कर रही है, फैसिस्ट फोर्सेस है, उसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जा रहा है। वो हमको पता है क्यों ये है, मगर जो इस लड़कियों जो फर्स्ट टाइम वो बड़े बड़े लेवल पर प्रतिरोध कर रही है, जब से जो CAA NRC के तरफ, जब से जो लड़कियां मुस्लिम लड़कियां जो प्रतिरोध उनका प्रारंभ हुआ, तो उस वक्त से इनकी पूरा अलर्टनेस, क्योंकि इन लड़कियों को हम एजुकेशन से पीछे भेजना है, फिर वो फिर ना दिखे, पूरे एजुकेशन से ये ना दिखे, इनका यही एक एजेंडा है। तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर लड़कियां हिजाब डाल रही, हिजाब अलग तरह का एक पेट्रियार्कल यह है, वो भी हम मैं जानती हूँ, मैं नहीं डालूंगी, मगर मैं उसको सपोर्ट अब इस रीजन के लिए सपोर्ट करती हूँ कि हिजाब डालने की वजह से उनका उनका एजुकेशन लेने से ले सकते हैं, उसके वजह से उनकी डिसीजन वो लोग कर सकते हैं, खुद की जिंदगी का डिसीजन ले सकते हैं, और खुद का एक चॉइस भी वो खुद की चॉइस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और एम्पावरमेंट आगे उनका हो सकता है। मगर इन पूरे चारे चीजों पर जो हिजाब को जोड़ के, क्योंकि ये लोग इसमें ना हो, तो इसलिए एक पूरा साजिश की जा रही होगी कि ये इससे वंचित हो, तो ये पूरा हमारे सामने दिखता है। और जो मुस्लिम औरतों का एक ये भी ये है कि एक मेजॉरिटी हिंदुत्व से कम्युनलिज्म से थ्रेटन है, और अलग एक साइड का जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है उससे भी थ्रेटन है, दो तरफ से भी इस मुस्लिम लड़कियां एक तरह से जूझ रही है, प्रॉब्लम्स में फेस करना पड़ता है, स्पेशली ज्यादा संघर्ष इन लोगों के दोनों बीच में है। अपना चॉइस, खुद का चॉइस बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, के हालात यहाँ पे है। और साथ में यहाँ जो हिजाब का जो इश्यू क्रिएट किया गया है, तो एक बहुत बड़ी डैमेज इन्होंने कम्युनिटी पर जो पोलराइजेशन का कर रहे हैं। हम पिछले 2-3 दिन से जो यूथ्स के साथ बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां ये बोल रहे थे, अभी तक तो हम बहुत हिम्मत से कॉलेज जा रहे थे बुरखा पहन के ही सही, अगर रास्ते में मैं कॉन्फिडेंट से ही मैं कॉलेज जाती थी या मार्केट में फिर रही थी, सब फिर रही थी, मगर अभी मेरे को ऐसा फील लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, मैं मार्केट में भी नहीं जा, क्योंकि अजीब से लोगों मेरे को देखना स्टार्ट किए, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स है मेरे को ही अलग तरह से वो क्वेश्चंस रेस करना स्टार्ट किया है, तो मेरे को बहुत डर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और साथ में जो ये भी बहुत मेरे को 2 दिन से डिस्टर्ब है कि जो औरतें है वो रोना स्टार्ट किया, क्योंकि ये जो दुश्मनी के जो बीज है हमारे बच्चों को ऑलरेडी ले लिया है, मैंने मेरे बेटे को खोया है नहीं, क्योंकि ये जो दुश्मनी की बीच की वजह से मेरा बेटा वो टेररिस्ट नहीं है, तो सिर्फ दाढ़ी छोड़ने की वजह से उसको ब्लैकमेल किया गया था टेररिस्ट बोल के, तो इसके वजह से मेरा बेटा सुसाइड किया था मेरे एक ही बेटे को मैंने गंवा के, मेरा पूरा जो एक सहारा था उस सहारे को मैंने खो गया। और एक साइड जो दलित माँ है वो भी उनके जो अपोजिट पोलराइज में जो भी अफेक्टेड है वो दलित ही है, जो अपोजिट जो ठहरा गया है,
तो उन बच्चों के जो माँ की जो हालत है वो फिर वो जेल इसके वजह से वो जेल जा चुके हैं, बहुत सारे ये हुए हैं। तो वो उन माँ भी वो बच्चों के जो सहारा था उसको ये हुआ है। बहुत सारे इश्यूज अभी बाहर आ रहे हैं और भी ज्यादा खौफ उनके अंदर आ रहा है कि आगे के मेंटली उनके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट हो रहा है। और कि जो ये जो दुश्मनी की बीज है बहुत अलग तरह से इफेक्ट कर समुदाय को और बच्चों के एजुकेशन को। जो हिजाब को लेकर ये लोग बोल रहे हैं कि समानता, तो समवस्त्र से समानता आएगी, तो बच्चे ये जो यूथ ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़के सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से इक्वालिटी कैसे आएगी क्लास में? वहां पे कलर है, कैस्ट है, जेंडर है, सो वहां से कैसे समानता आएगी? क्या हम इसको हम विविधता में एकता हम कैसे उसको हम ला सकते हैं सिर्फ यूनिफॉर्मिटी से? तो वहां पे कितने क्लास हायरार्की से, तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे? अगर जो ये बोल रहे हैं कि सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म को मुस्लिम लड़कियां फॉलो करना है, अरे ये लोग तो पूरे दुनिया इंडिया में खुले में फिर रहे हैं कि खुले में हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, खुले में उनका ड्रेस कोड है पूरा हिंदुत्व को लेकर है, जो उनके जो पूरे पब्लिक प्रोग्राम्स में हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, सेक्युलरिज्म को नहीं ये कर रहे, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक लेकर ये लोग सी ये बोल रहे हैं कि पार्ट बोल रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का जो मुस्लिम लड़कियां फॉलो करे, तो ये कितना नॉनसेंस है कि सेक्युलरिज्म को इनको पहले समझने की बहुत जरूरी है। क्या क्या इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है कि आज की गवर्नमेंट को मुस्लिम लड़कियां इसके वजह से बहुत पीछे जा सकते हैं, इनके एजुकेशन पे ऊपर ये पड़ता है। स्पेशली जो कॉलेज में जो जो सौहार्दता थी, जो बहुत्व की आइडेंटिटी थी, उसको हम खोने वाले हैं बहुत बहुत ज्यादातर यूथ के अंदर। फिर वापस इन लड़कियों उसी कॉलेज को जाना है तो कैसे वहां पे जाके दूसरे फ्रेंड्स को फेस करेंगे, कैसे उसको ये लोग एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे? तो इससे बहुत ज्यादा रेट में मुस्लिम लड़कियों की और दूसरे लड़कियों की भी ड्रॉप आउट, एजुकेशन से ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ही है ही बहुत ही नहीं है, तो क्योंकि ऑलरेडी खौफ वो ज्यादातर हो गया है। और साथ में जो पेट्रियार्की का रिजल्ट है हम देख रहे हैं, जो पेट्रियार्की का रिजल्ट हम हिंदुत्व में हो या जो स्पेशली लड़कियों को औरत को टारगेट किया गया है, तो ये जो उनकी वो एक अंदर डर है कि क्योंकि लड़कियां ये भी बहुत खुशी है कि मुस्लिम लड़कियां बहुत अच्छे से प्रतिरोध भी कर रही है, क्योंकि पहली बार सीए में एनआरसी में लड़कियां बाहर निकली थी और आज उनके हक को लेकर पूछ रही है। जहां वो हक से जहां वो पूछ रही, इसलिए इन जो फेक न्यूज क्रिएट किया जा रहा है कि लड़कियों को जो लड़कियों के जो सॉरी उनके ड्रेस को लेकर और उनके हर एक इसको लेकर फेक न्यूज बनाकर उनको क्योंकि पीछे जाए, जो भी वो प्रतिरोध से पीछे हटे तो उनका डिसीजंस ना ले, तो ये पूरे हालात क्रिएट कर किए जा रहे हैं और भी परिणाम बहुत दूर तक इसको परिणाम लेके आएंगे। तो हम सोचने की बात है कि ये हिजाब का इश्यू क्या हमारे देश को सौहार्दता सही भी लेके आएंगे या समानता लेके आएगी, सेक्युलरिज्म को लेके आएगी या और भी पीछे हमको लेके लेके आएगी? हाँ, फ्रेंच में वो बहुत सारे मीडिया में बोला जा रहा है कि फ्रेंच में हिजाब नहीं है और दूसरों देशों में नहीं है, दूसरे या सही है वहां बाकी सेक्युलरिज्म चीजों को लेकर पूरे सिर्फ नॉट ओनली मुस्लिम्स के ऊपर बाकी रिलीजियस को भी लेकर वहां पे क्या हुआ है? क्या हमारा देश तैयार है उन सारे वो बड़े लेवल पे समानता इक्वालिटी के बारे में के लिए तैयार है? क्या वो लोग हिंदुत्व कि जो ये इसको लेकर छोड़ने के लिए तैयार है? तो वो कहाँ पे हम बात कर रहे हैं? तो ये मुस्लिम लड़कियों को बहुत बहुत डैमेज कर रही है। तो ये मेरी बात रख रही हूँ, अगर कोई सवाल है तो मैं पूछ सकती हूँ। थैंक यू नसरीन।
आपने एकदम सही बोला कि एक्चुअली क्लासरूम्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो एक्चुअल इनइक्वालिटी है उसको नजरअंदाज करके बेसिकली एक फॉल्स सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी आज के दिन में लाई जा रही है, जिसका मतलब बेसिकली मेजॉरिटी और वो एक्चुअली क्या बोलते हैं इक्वालिटी या यूनिफॉर्मिटी का मुद्दा है ही नहीं. तो एक्चुअली इनइक्वालिटी जो है एजुकेशन में उसको लेके बात तो कभी भी आरएसएस बीजेपी की तरफ से नहीं उठाई जाएगी. इनफैक्ट पिछले 2 सालों में जो शिक्षा हाल हुआ है, जो आपने बोला भी, उसको लेके तो उनके किसी भी ऑफिशियल ने, मंत्री ने कुछ ठोस ना बोला, ना किया, ना वो करना चाहते हैं. तो आई थिंक बाकी जो लोगों के सवाल या कमेंट्स हैं वो हम सारे स्पीकर्स के बोलने के बाद ले लेंगे. इसके बाद मैं साथी मल्लिकी को बुलाना चाहूंगी, जो कर्नाटका में पिछले कुछ समय से कैसे ये मतलब हिंदू हिंदुत्व की राजनीति बेसिकली चलाई जा रही है और उसको और ताकत दी जा रही है और बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेके कर्नाटका की अभी की स्थिति और उसका वहां पे कैसे हम पहुंचे उसको लेके अपनी बात रखेंगे. हाय शंभवी, ये वीडियो ऑन किया मैंने, आर यू एबल टू सी मी एंड कैन यू हियर मी नाउ? या आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, and if at all in between the network goes off I might have to leave out from the discussion. If at all I am unable to join then I think pehle hi sabhi se yahan jo saathi log hain aur facebook pe jo dekh rahe hain to main pehle hi maafi mangti hu, thoda network ka issue ho sakta hai. To iske sath jaise saathi Nasreen ne already bola hai to yahan par to hum agar शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसके साथ शुरू करेंगे कि the issue of uniform has nothing to do with the communal frenzy which has been created now in Karnataka. Actually, you're not audible or visible. I think आप कैमरा बंद करके अगर बोलेंगे तो शायद it might work if you switch off the camera and speak. Can someone write in the chat box that she's not audible? I think उनको हमारी आवाज basically सुनाई भी नहीं दे रही. I think हाँ शंभवी कुछ सुनाई दे रहा है अभी? हाँ अब सुनाई. बट अब फिर से सुनाई दे रहा है. आई एम स्पीकिंग, मे बी यू कैन लीव एंड रीजॉइन द मीटिंग और एंड कीप द कैमरा स्विच्ड ऑफ. Hi, can you hear us, comrade Mallike? Are we audible?
I will not make this error because network might get cut any time. So first thing is, this is nothing related to uniform because women in Karnataka and in elsewhere in other places of the country have been wearing hijabs, niqabs and burqa for a long time now in educational institutions, in public spaces, in many other places where we live and interact collectively. This is not something very uncommon, and that has never become an issue so far. As Shambhavi said in the very beginning, that Karnataka has seen some of these incidents for a few years now. If I should correctly say the time period, जब से बीजेपी पावर में आया पहली बार कर्नाटक में, उस समय से हम ये देख सकते हैं कि स्टेट के अलग अलग कॉलेजों के सामने और कॉलेजों के अंदर जब कुछ एरियाज में जहाँ पर कम्युनल टेंशन होने लगे, तो वहाँ पर बच्चों ने केसरी शाल पहन के आने का एक उन्होंने कहा कि एक प्रोटेस्ट का रूप है, तो उन्होंने ये प्रथा शुरू किया. तो दिस इज डेफिनेटली डायरेक्टली रिलेटेड टू द एजेंडा ऑफ the ruling party which is present ruling in our state and also in the center. Hence up tak agar starting from the day of independence and up tak colleges mein hijab niqab aur burqa issue nahi hue, to aaj kyun honge, aaj kyun suddenly uniformity ka issue banne lag gaya. To ye sabse pehla sawal hai jisko samne rakhne ki zarurat hai. दूसरी चीज ये है कि एक लॉन्ग टाइम एजेंडा के साथ साथ ये चीज भी चलती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि विमेन, दलित, आदिवासी एंड अदर मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज आर नॉट टू बी अटेंड एजुकेशन. दे नीड नॉट गेट इन टू द सेक्शंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. Hence, there have been a lot of steps which have been taken by the central government in the past several years, including the fellowship cut, scholarship cut, and so many other issues. In Karnataka, right now, we are witnessing one more thing. We have only one women's university. There are 7 exclusive women's universities across the nation, and one of which is in Karnataka, and which was established because of the fight by the people. It was a result of a very long-term struggle by the people of Karnataka, saying that the region of North Karnataka is much backward, and the people, especially women, need a special kind of emphasis on higher education, which would be attained by establishing a university for women in the North Karnataka region, because of which we see Akkamahadevi Mahila Vishwavidyalaya, which means Akkamahadevi Women's University, which has started in 2002-2003, and from then it has helped a number of women, a big number of women, especially belonging to Muslim, Dalit and other backward communities, to get into the stratas of higher education. If not for this university, it is unimaginable how these women would have ever gotten the opportunity to get themselves into the ranks and files of the higher education and the further steps, like getting a job or continuing with the research, anything. So right now, when the NEP is implemented, we have already seen that Karnataka is the first state to announce that they are going to implement NEP in a very big way. The state government in Karnataka took it upon itself even before the rules were framed. Karnataka state government said that we are all going for implementing NEP in a very big way, and they have taken extreme interest in implementing this. And as a part of implementing NEP, now they are saying that they are going to convert this women's university into a co-education university. Which means the women's university ceases to exist. It will not be existing from now on. And then there is no emphasis on the talk about extra emphasis on women's education is also gone. There is no meaning when we don't have an exclusive emphasis in the form of an institution for women's education where there is a specific need. We have seen the result. And now the university is gone.
And similarly, the interest is also gone. So we can see that this has been a long time agenda for them to prevent oppressed sections and minorities and women from entering into such stratas and from becoming intellectuals. This has not been one thing which has been seen in the modern India, but even before that, even in the ancient times, this has been the history of racket fascist forces, and we can see that this has been continuing in many forms. And this is also one of the issues where they are saying that this is because of the uniform, but at the end we know that this is to prevent Muslim girls from getting educated, getting what they are entitled to by the Constitution of India. So this is what they are trying to do, and these two things we need to identify very clearly. Third thing is that why now? I have already mentioned that there have been several incidents in the past, but we can say that they were not very not very common. There were some stray incidents happening here and there sometime, but this we can see that has become a kind of wildfire kind of a thing, which spread into 29 districts of Karnataka over a period of some 2 to 3 days. It's a very small time period, and we can see that it spread so very fast that it looks like it was very properly planned. There was a proper plan behind this. Otherwise, this could not have become set by a widespread riot kind of a thing. So, what is the need for the rightist forces to get into such mean communal issues right now in the state? So this is very important, because the background of this whole communal frenzy is in this, where we can see that the state government is going to face the elections in another 1 year. Karnataka state elections are coming in 1.5 years, and the government has actually nothing to present in front of the people, to deliver in front of the people, or say that we are going to face the elections on all these issues. There is nothing that they could show to say that we have had a good governance in Karnataka. Leave alone the good governance, if at all we had had, we could have had some average kind of a governance. Government did not have to enter into such a very mean issue and take up the education of Muslim girls into their hands or into. Agar specifically hum isko dekhna chahte hain, so it is not only votes of the people, but so what is the situation in the colleges which the government is hoping for? So if we can see, if we see the situation, ground level situation in the colleges, there are some sections of the students who also believe that if there is a uniform, that needs to be followed. If there is a uniform for each and every child, hijab is not within the formation of that uniform. This is what the common feeling of a common regular student in many colleges across the Karnataka. This is first. Second thing is, they believe that the Constitution of India says that education institutions should be left outside the religious practices. This is what they believe. I am saying based on a very short immediate crash survey which we conducted in several colleges of Karnataka across the state, from chosen from the different parts of which different regions of the state, and in this crash survey we could see that students believe all these things. And then third, some of them do really participate in the protests and wear saffron shawls and other things, but most of them, though they do not physically participate in that, they actually lean towards the argument that why wear hijab or saffron shawl when there is an opportunity that we could quit both.
shawl into the picture has become like an equal religious practice, which is not the reality. If we say about the religious practices, then it should count that it may be hijab or burqa or skull cap or pagdi or parda or kumkum and other traditional religious practices which Hindu girls and Hindu boys also practice many times. But here there is no question of kumkum, or there is no question of other types of thagas which are tied around our necks or tied around our wrists, which are very common in Hindu religion. Instead, suddenly saffron shawl enters the picture, and finally the justice becomes that no to both. So this is a very clear cut injustice. We can see that this is highly irrational, but unfortunately this has become equally कंसिडर करना चाहते हैं और दोनों तरफ के लोगों को अगर हम जस्टिस देना चाहते हैं तो यही जस्टिस होगा. ऐसे लोगों को बिलीव करवाया जा रहा है. एंड एज आई सेड मेनी स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्टेट इवन बिलीव इन दिस फैक्टर. सो हियर हाउ कम दे स्टार्टेड बिलीविंग इन सच थिंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच आई वॉन्ट टू मेंशन बिफोर ही फिनिश माई ब्रीफ टॉक. Impact of the media on the thinking of our students. So this is a very very important issue, because once the issue picked up, the media reports started coming out with the titles saying hijab uproar, whereas the uproar was from the saffron shawls, not from hijabs. Hijabs did not create an uproar because it was very common even before the saffron shawl protest started. So how does the media report this? How, with what title or with what emphasis does the media report this? Reported that it's a saffron shawl, right? It's a saffron shawl uproar. No, they are very specifically mentioning that it's a uproar, it's a disturbance, it's an unrest created by the minority community students, which is, according to them, is not in the interest of their own community. We might have, all of us have seen the Prime Minister of the country saying that they have liberated the Muslim women from wearing an unnecessary burden. These are the words used by him, wearing an unnecessary burden. They claim that they have liberated Muslim women from such an autocratic or oppressive religious system. That is what they claim to have done. And this through the efforts of the media has become very convincing to the censors or the majority section who have been silently watching all this. These things have become very convincing. Secondly, in a specific incident in Shomoka, there is a college, Sahyadri College, very old and very famous college, government college, and there are 1,300 students studying there. And there are at least 40% of students who belong to minority community, and the remaining are belonging to different castes from within course the Hindu community. And on the day of the protest with saffron shawl, only 120 students participated in the saffron shawl protest. But it was projected as if the whole Hindu students gathered in front of the college, and the whole Hindu community, Hindu students and their parents are against this hijab. It was projected by the media in this way, which actually led into a big uproar across the state. And till date, all people in the state believe that in the places where there has been a very deep friction, like Kochal, Karnataka and other places where there were unnecessary unrest created. So in such places, all students, each and every student who is not belonging to a minority community, is actually protesting and is actually for a saffron shawl. This is what is being projected by the media. This has led into a very big mass appeal, or this has been a way of creating opinions, which all of us call
in the form of like manufacturing consent. This is a very unfortunately this has become a very big example of manufacturing consent, because in the very beginning many parents were against boys wearing saffron shawls and creating an unrest inside the college campus, but slowly when the media started picturing it as an effort by the Hindu students to make something unjust, make that unjust thing into a just thing, then actually the image of this protest started changing, and it became a common thing for all parents to say that maybe there is some truth behind the protest. So this is what actually is a is really an unfortunate development which has been actually growing inside the state. And we cannot go back very back in the history of communal politics in Karnataka, but we can definitely say that this is a retaliation of the upper caste and Brahminical mobilization against the assertive politics of Dalits, assertive politics of the Muslims and other backward castes. This definitely has the very, very big connection with the electoral politics, and they are aiming at the first time voters who are going to vote in the 2023 and 2024 election. And there is a huge chunk of voters who are in the colleges now. They are not eligible to vote right now, but they will be becoming first time voters in 2023 and 2024. And this particular issue of unrest which has been created inside the college campuses is definitely being raised because of this background, and they are going to somehow convert it, they are trying to somehow convert it into an electoral issue. So we have to be very careful while we enter into such scenario, because they want to create a polarization based on religion, religious practices. Whereas to come up with creative ideas and ways where we try to bridge those gaps. We try to bring down the friction amongst the communities and somehow try to actually make this process undo itself. And definitely, there is a very big need for a joint call or a centralized call for all the saner people across the country, not only in Karnataka, but across the country, to join hands and somehow work towards actually defeating such forces who are trying to polarize people on their mean politics. So with this, I'm going to stop here. And if the network is available still, I'm definitely going to join you people for question and answers. Thank you. Thank you, comrade. Like you rightly pointed out, that like it's not about the uniform, it's actually a consequence and a like concerted effort by the RSS led fascist movement today to create this, where I think it's interesting that you pointed out that something which was actually not a religious symbol is what has become, like the saffron shawl actually was not a religious in terms of identity of a Hindu. It wasn't prescribed or even accepted widely before this, but now it's being treated as equal to the hijab, which is completely false. And the role of the media, which is clearly, like in the past, since this regime has come into power, we've seen how before they've come to power, we've seen how the media has shifted its support entirely to this regime. And it's played a major role in creating this kind of an environment and aided the activities of groups affiliated to the RSS on the ground. I think we can discuss further what particular kinds of activities these groups have been carrying out
other people have questions, we can take it further in the discussion. अब मैं साथी हसीना खान को बुलाना चाहूंगी जो बेबाक कलेक्टिव के साथ जुड़ी हुई हैं और वो अब इस मुद्दे पे आके अपनी बात रखेंगी और पर्टिकुलरली हिजाब लेके तो मुस्लिम महिलाओं के बीच में भी क्या बदलते हुए सोच है विचार है इन सारे मुद्दों को लेकर भी वो हमारे सामने आज बात रखेंगी। थैंक यू शुक्रिया आप सभी साथियों का और इससे पहले जो दो स्पीकर्स ने बात किए हैं मैं काफी हद तक उनके साथ सहमत हूँ और उनके जो दोनों भी कर्नाटका से हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस और ऐसे मुश्किल हालात में कर्नाटका के जो विमेंस ग्रुप सेक्युलर ग्रुप्स जो लड़ रहे हैं इस सेफ्रोनाइजेशन स्टेट में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन और रूलिंग स्टाइल से उन सबको सलाम और आज की चर्चा रखने के लिए शुक्रिया कलेक्टिव स्टूडेंट्स ग्रुप जिन्होंने ये रखा मीटिंग। सो बेसिकली मैं तीन मुद्दों के बारे में बात करना चाहती हूँ। तीन एक तो है कि एज ए फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट ग्रुप हम आज इस वक्त कर्नाटका में जो स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है और हिजाब नहीं पहनना चाहिए इस जिस किस्म की जिस तरह से उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है उनकी भाषा जो 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 स्कूल प्रमाइसिस में जो माहौल और एजुकेशनल लेवल पर वो कितने पीछे है और उसके कारण जो है किसी का विलिंगनेस नहीं है इस्लाम मुसलमानों को देखने का एक बायसेस रोल है सारे जितने भी जॉब्स और वहाँ पे मुस्लिम जो है उनके नंबर्स बहुत बहुत कम है या तो ना के बराबर है। तो ये अफसोस और दुख की बात है कि जो स्टूडेंट्स अपने घर से निकलकर अपने पेरेंट्स से बातचीत करके या किसी ना किसी तरीके से वो कॉलेजेस और स्कूल में पहुंच रहे हैं और उन्हें पढ़ने से रोका जाना तो इसलिए हम उनके साथ में हैं इसलिए क्योंकि ये एजुकेशन अगर उनका निकल गया जो नसरी ने भी कहा कि अगर वो एजुकेशन उनका छूट गया तो उनकी अपनी उन लड़कियों की हालत और भी खराब हो जाएगी और मुसलमान जो है वो वैसे ही अपने बहुत सारे लैक ऑफ एक्सेस से लड़ाई की वजह से लड़ रहा है सोशियो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ना होने से की वजह से लड़ रहा है और ये लड़ाई हमारी और दोहरी हो जाएगी क्योंकि एक तो स्टेट की तरफ से उनको पढ़ाई करने से रोकना और दूसरी तरफ बुरखा के बारे में हिजाब के बारे में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी अपने आप में गलत बात है खतरनाक बात इसलिए भी है कि एक वन नाइट पर ये या एक दिन में ये फैसला देना कि आप बुरखा निकाल दो ये ऐसे नहीं हो सकता है इसलिए क्योंकि फोर्सिबल जैसे हम मानते हैं कि फोर्सिबल किसी को कवर करना और किसी तरह से फोर्सिबल उसको कहना कि ये आप कपड़ा ये रंग ये कलर का इस तरीके की हिजाब या जो भी है वो हटा दो ये अपने आप में बहुत ही वो बहुत ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। इसका वजह यही है कि क्या ये मुसलमानों पर टारगेट करने के नाम से बुरके का बहाना है और मुसलमानों को सताना है ये बात जो नसरीन और मलिका ने कहा है इसमें बहुत साफ नजर आती है कि अभी बजट हमारे हमने देखा कि बजट का सेशन हुआ और बजट के अंदर कुछ भी बजट जैसी चीजें नहीं निकली जेंडर इश्यूज के बारे में सोशल सिक्योरिटी हेल्थ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें हमारा बजट नजर ही नहीं आता है। तो बजट के ऊपर जो क्रिटिसाइज करना चाहिए आम जनता पर आम लोगों पर उसको पूरी तरह से वो क्रिटिसाइज ना करना और उसको डाइवर्ट कर देना। चार स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं यूपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट और यूपी के इलेक्शंस तो ये सारे इलेक्शंस में जो भी इस सरकारों की कमियां राजकरण में बुरखा करण जो है वो बहुत बड़े नंबर पे नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए हम साथ में खड़े हैं स्टूडेंट्स के साथ में ये रहे
लेकर ये आवाज उठा रही है, ये बात कर रही है। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि हर एक इंसान जो अपने धर्म का पालन कर सकता है, एक्सप्रेशन कर सकता है, अपने फेथ को यकीन रख सकता है, तो ये उनका ये कि उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और ये बहुत डर की बात है कि कहीं वो स्टूडेंट्स खो ना जाए और अपना एजुकेशन जो है उनका छूट ना जाए, तो ये बहुत बड़ी गंभीरता का सवाल हमारे बीच में है। दूसरी बात ये है कि हम भी चाहते हैं कि कोई भी स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल की जो रेजुलेशन है उसमें ये क्या फेलियर रही है कि जहाँ बच्चे हिजाब पहन के जा रहे हैं या बाकी बच्चे कौन से धर्म के कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो बाकी किसी धर्म के बारे में बात ना करके सिर्फ मुसलमान औरतों के बुरखे के बारे में बात करना ये एक साजिश है। अभी हम लोग लगातार एक के बाद एक हर महीने बिजी होते जा रहे हैं इस डिस्कशन के साथ में, और पूरी तरह से ये सरकार जो है वो इलेक्शंस और बाकी मुद्दों पर हमको बिल्कुल दूर ले जा रही है। लास्ट मंथ हमने बुली और सुली एप्स के खतरनाक सिचुएशन माहौल देखा, 100 से ज्यादा लोग जिनके नाम उस एप्स में थे, और सब ज्यादा बुरी ज्यादा डेंजरस बात ये थी कि जिसमें 67 इयर्स ओल्ड खालिदा परवीन और नजीब की माँ जो अपनी बेटी को लेकर पिछले 6-7 साल से परेशान है, उन औरतों के भी इस बुली और सुली एप्स में इनके नाम डाले गए और इनकी नीलामी इनकी बोली की गई। तो इतना ये सरकार का जो सेफ्रोनाइजेशन ये भगवाकरण का जो उनका जो माहौल है इसमें महिलाओं की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, अल्पसंख्यक की तरफ देखने का दृष्टिकोण है, उसमें बिल्कुल भी कोई सेक्युलरिज्म कोई जेंडर पर्सपेक्टिव नहीं है, इसलिए क्योंकि ये फाशिस्ट सरकार है। फाशिस्ट सरकार जो है वो ये बिलीव करती है कि मेजोरिटी जो थॉट्स है मेजोरिटोरियन जो थॉट्स है उसको जो है वो बाकी संख्याओं ने उसको फॉलो करना चाहिए, और जो उसके अगेंस्ट में है उनको यूरोपीय और सेडिशन जैसे कानून के अंदर उनको डाल देना। और हमने देखा कि एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद में और वेस्टर्न यूपी के अंदर और दिल्ली में कितने सारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके नौजवान मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये माहौल हमें बहुत डराता है, हमें बहुत थ्रेटनिंग करता है इस देश में मुसलमान को कि वो इस देश की एक इक्वल सिटीजनशिप है और कैसे उनको अनइक्वालिटी और वायलेंसेस और टारगेटेड और कम्युनलाइज माहौल की तरफ हमें माहौल बना के सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और मुसलमान औरतों के बारे में बात की जा रही है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये मेरा अपना पहला पॉइंट है जो कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट जो है मुझे ये कहना है कि जो लड़कियां और औरतें बुरखा पहन रही है पिछले ये कोई अचानक की बात नहीं है। मैंने नज़दीक से 92-93 का राइट्स देखा है और मुझे याद है कि जब बम्बई में बहुत बड़ा दंगा हुआ था और बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी राइड्स हुए थे, 92-93 के राइड्स के बाद में बहुत सारे मुसलमान जो देश भर में थे उन्हें ये बार बार ये सवाल उठ रहा था कि क्या हमारी कम्युनिटी जो है उसका जो नंबर से क्या हम उतने नंबर कम हैं और कैसे हम ये फाशी सरकार को अपने नंबर दिखाएं। तो उसमें ये हुआ कि 92 के बाद में हमें बहुत सारे दाढ़ी टोपी और बुरखा में नजर आने वाले लोग दिखे और जिसमें भर भर के औरतें बुरखा पहनने लगी, मर्दों ने दाढ़ी टोपी रखना शुरू किया, और ये जो माहौल रिलीजियस आइडेंटिटी का माहौल जब शुरू हुआ मुसलमानों की तरफ का, तो हमारे जैसे साथियों ने इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, क्योंकि हमें ये लगता था कि अपनी संख्या को दिखाने के लिए हमें रिलीजियस आइडेंटिटी पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें उस सोच के साथ जाना चाहिए जिसमें हम एजुकेशनल और मेन स्ट्रीम में हमारी औरतें हमारे यूथ को हम किस तरह से ले जाए। तो ये हम जानते हैं कि सारी कम्युनिटी के अंदर फंडामेंटलिज्म है, सारी कम्युनिटी में पैट्रियार्की है, और हर कम्युनिटी जो है जब किसी भी कम्युनिटी के ऊपर टारगेट होता है खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, वो कम्युनिटी का फंडामेंटलिज्म और पैट्रियार्की जो है वो उसके अंदर जो वल्नरेबल सेक्शन है उस पर वो कंट्रोल करना शुरू करती है और उसके शरीर के ऊपर उसके बॉडी के ऊपर अपनी एजेंसियां अपने थॉट्स लगाना शुरू कर देती है। उसमें मुसलमान औरतें भी वो भी औरतों को भी उनके ऊपर टारगेट किया गया, उनके बॉडी के साथ उनके शरीर के साथ धर्म की पहचान डालना और उस तरीके से एक मेजोरिटी कम्युनिटी को अपनी आइडेंटिटी दिखाना,
तो ये राजनीति जो है ये जो अनुभव है जो हमने 92-93 के राइट्स के बाद देखा, 2002 गुजरात के आते आते तो हमने देखा कि मुसलमानों के अंदर और मुसलमान कम्युनिटी के अंदर बुरखे का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं तो नजदीक से देखते आ रही हूँ कि कई सारे दुकान और मकान जो है सॉरी दुकानें जो है बुरखे की वो इतने एक के बाद आगे बढ़ने लगे। मैं समझती हूँ कि ये मुद्दा इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी जो है चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, हमारी बॉडी जो है उस पे बगैर किसी कंसर्न के बगैर किसी डिस्कशन के बगैर किसी स्पेस के हमारी बॉडियों के ऊपर हर बार हमला हुआ है, चाहे वो शादी के नाम से हो, चाहे वो किसी कपड़े के नाम से हो, चाहे वो किसी भी धर्म के पालन के नाम से हो। तो हमें ये समझना होगा कि एक ये बॉडी है जो बुरखा पहन रही है और अपनी पहचान अपने धर्म की पहचान दिखा रही है, इसलिए दिखा रही है क्योंकि इस्लाम के नाम से मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके का हमला हो रहा है तो मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं क्यों ना अपना रेजिस्टेंस करूं, मैं क्यों नहीं अपनी आइडेंटिटी दिखाऊं। अगर आपको मुसलमान धर्म पसंद नहीं है, आपको मुसलमान औरतों का पहनावा पसंद नहीं है, आपको शाहीन बाग में औरतों की आज़ादी का नारे पसंद नहीं है तो मैं तो फिर बाहर आऊंगी ही, मैं चाहे जिस तरीके से भी आऊंगी मैं आऊंगी। तो ये जो उमड़ कर हमें जो आज दिख रहा है इसको हमें समझना होगा और सरकार जो है वो बहुत एक ऐसा माहौल बना रही है जेंडर एम्पावरमेंट के नाम से, वो ये कह रही है कि हम मुसलमानों को बुरखे से आजादी देना चाहते हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका को इंटरेस्ट था अफगानिस्तान के ऊपर और उसने दिखाया कि तालिबान जो है वो मुसलमान औरतों पर कितना हिंसा करता है, लेकिन अमेरिका का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान पर वो एक अलग इंटरेस्ट था और हमें सबको दिखाया गया कि तालिबानाइजेशन जो है वो कितना खतरनाक है। मैं बिल्कुल भी तालिबानाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल भी मुसलमान औरतों के को बुरखा पहनाने वाली वो एजेंसियों को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी भी थॉट से हो, मैं उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी कौम की औरतों को इम्पावर एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इम्पावरमेंट देना चाहते हैं करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी, उसके लिए लैंग्वेज तैयार करना पड़ेगा। लगातार मुसलमानों पर जब हिंसा होती रहेगी तो फिर हम इस बुरखे को क्यों ना पहने, क्यों औरतें बुरखे को नहीं क्यों ना पहने। हम मतलब आई एम नॉट बिलीव द बुरखा हिजाब, बट मैं मानती हूँ कि जो लोग पहनते हैं आज की तारीख में आज के समय पर जो कर्नाटका की यंग लड़की आवाज उठा रही है मैं उसके साथ इसलिए भी हूँ क्योंकि वो आप उसके ऊपर जो टारगेट कर रहे हैं, जो फोसिबल उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और जो डराने का माहौल कर रहा है तो उसको तो बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल भी उसके किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये क्या हो क्या रहा है, लड़कियों के बुरखे के बारे में पूरी बातचीत हो रही है लेकिन वो लड़के जो नौजवान हैं, जो 14-15-16 साल के लड़के हैं, वो जो सैफरन स्कार्फ पहन रहे हैं उसके खिलाफ तो हम बोल नहीं रहे, ना मीडिया बोल रही है। वो लड़के जो उनके साथ उनके क्लासमेट हैं, उनके इलाकों से आते हैं, उनकी दोस्तियां हैं कई सालों की, उनके पेरेंट्स की दोस्तियां हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है उड़ीपी है या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरियाज में जहां पर ये स्कूलों में कॉलेजेस में मना किया गया है, लेकिन वो सारे जो लड़के हैं जो अपनी मैस्कुलिनिटी दिखा रहे हैं, जो अपनी मर्दानगी स्कूल और कॉलेज के प्रेमाइसिस में दिखाकर जिस किस्म की भाषा, जिस किस्म का लैंग्वेज, जिस किस्म का बॉडी वो प्रदर्शन के नाम से दिखा रहे हैं, हम उसके खिलाफ सरकार क्यों नहीं कह रही है, उसके खिलाफ सरकार उनको क्यों नहीं रोक रही है, क्या माइंडसेट तैयार कर रही है सरकार कि ये नौजवान लड़कों को इस सैफ्रोनाइज माहौल में डालने की कोशिश करना, उनको स्कार्फ पहनाना, उनके स्कूल और कॉलेजेस और पढ़ाई और चर्चा से उनको दूर रखना और अपने ही साथ के पीयर्स ग्रुप के खिलाफ उनको तैयार करना, ये जो खतरनाक साजिश है। मुझे लगता है कि मुसलमानों को तो लड़ना आता ही एक तरह से क्योंकि ये 2014 में तो बहुत बुरी तरह का असर हम देख रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से कम्युनल वायलेंस का, डिस्क्रिमिनेशंस का, डिस्प्लेसमेंट का एक्सपीरियंसेस हम देखते रहे हैं। तो मुसलमानों को लड़ना आता है, लेकिन दुख की बात ये है, तकलीफ दे बात ये है कि अब ये जो लड़के जो हिंदू समुदाय, हिंदू सम्राट, हिंदू मर्द जो बाहर निकल कर मुसलमान लड़कियों को सताने और परेशान करने और
जिस किस्म का सैफ्रोनाइज सैफ्रोन भगवाकरण का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सेफ रहेगी अपनी, क्या उनको सेफ रहेंगे उनकी घर की बहू बेटियां, उनके दोस्त, उनकी सहेलियां, उनको सेफ रहेंगे? ये मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बात करनी चाहिए कि जेंडर एम्पावरमेंट सरकार ये पुरखा उतार कर ये मैस्कुलिनिटी या मर्द, ये जिस तरीके की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो स्कूल प्रमाइसिस में हमको दिख रहा है, ये मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता का सवाल है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है। एजुकेशनल में हम मानते हैं कि स्कूल में किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म सॉरी रिलीजियस पहनावा नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉलेजेस में तो ड्रेस कोड नहीं होता है, तो जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस में भी रोका जा रहा है, इससे बिल्कुल जाहिर होता है कि पूरी तरह से मुसलमानों के बुरखे के मुसलमान लड़कियों को और उसके बॉडी को और उसके उसके पहनावे को लेकर एक धार्मिक कट्टरपंथ जो है वो बहुत आवाज उसके खिलाफ उस तरह से जो भाषा इस्तेमाल कर रही है, मैं बिल्कुल उसका विरोध भी करती हूँ, वो संगठनों का भी जो मुसलमान धार्मिक संगठन है जो 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 बहुत ही इस्लामिक थॉट्स इस्लामिक कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं जिन्होंने सालों साल मुसलमान औरतों को बुरखा पहनाकर बुरखा पहनाकर उनको उनको प्रेजेंट किया गया है और उनके कंधों पर बैठ के वो धर्म की राजनीति लड़ते हैं, औरतों के अधिकार के बारे में वो मुसलमान औरतों को आगे खड़ा करते हैं लेकिन औरतों के अधिकारों के बारे में बात नहीं करते हैं। तो मुझे मैं बिल्कुल उस इस्लाम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट और मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल बिल्कुल उसके सपोर्ट में नहीं हूँ जो आज वो मुसलमान औरतों के वॉइसेस के साथ में है और कह रही है कि हाँ हमारी हमारी बहनें बड़ी मजबूती से लड़ रही है। तुम्हारी बहनें मजबूती से लड़ रही है वो इसलिए लड़ रही है क्योंकि महिला आंदोलनों ने इस देश में बहुत काम किया है, सामाजिक आंदोलनों ने भी इस देश में काम किया है, स्टूडेंट्स रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स मूवमेंट ने इस देश में काम किया है, वो धार्मिक संगठनों ने तो मुसलमान औरतों की जिंदगियां बर्बाद की है, तो मैं उनके साथ में नहीं हूँ जितना मैं उस सेक्रोनाइज संगठनों के और स्टेट के साथ में नहीं हूँ। अरे इन दोनों के बीच में मुसलमान औरतें एक उनके बॉडी को लेकर जिस किस्म का खेल खेला जा रहा है जो बहुत ही डेंजरस है और मुझे लगता है कि वो हमें इकट्ठा आके कहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो हम देख रहे हैं वो बढ़ती जा रही है स्कूल कॉलेजेस में, और अगर ये स्कूल कॉलेजेस में अगर इस किस्म का माहौल रहा तो लड़कियों की एजुकेशन तो दूर छूटी जाएगा लेकिन सेफ जो है वो सड़कों पर भी नहीं रहेगा और वो सेफ जो है वो अपने घरों में भी नहीं रहेगा। तो ये सब माहौल जो है मुझे लगता है कि बहुत सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन के विचारों को बिल्कुल उसके खिलाफ जाता है और पूरे पूरी जिम्मेदारी जो है वो हमारे होम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर की है जबकि उन्होंने उन्होंने इसके बारे में आके कहना चाहिए, तो वो जब नहीं कहते हैं, जब वो खामोश है तो उसकी उनकी सहमति है ये सारी राजनीति को ताकि वो यूपी के इलेक्शन सभा के इलेक्शन को इस तरह से अपने लोगों की आवाज़ों को मीडिया के सामने नहीं लाए। मुझे लगता है कि ये हिजाब के डिस्कशंस को से निकल कर हमें बजट में जो कमियां हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए कि यूपी में जो लोग यूपी और बाकी स्टेट में जो औरतों के साथ दलितों के साथ और बाकी मुसलमानों के साथ और जिस तरीके का वायलेशन हुआ है उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि जो मैस्कुलिटी जो हमें सड़कों पर और स्कूल प्रमाइसिस में नजर आ रही है उसके खिलाफ हमें बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि जो जेंडर लॉस जेंडर राइट्स के नाम पर जिस किस्म के कानून लेके आ रहे हैं वो सारे हमारे रिफॉर्म्स मूवमेंट को पीछे ले जा रहे हैं, वो औरतों की बॉडी को जो है वो एक कमोडिटी की तरह पेश करके उनका एक वायलेंस करके एक कम्युनलाइज करके और डिवीजन बना के हिंदू मुसलमान के नाम से हमको बांट रही है। और मुझे लगता है मैं समझती हूँ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहना बहुत ज़रूरी है। आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश माई पॉइंट, अगर कोई सवाल जवाब है तो हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू। आपने जैसे मतलब क्वाइट करेक्टली यू फेस इट कि जब महिलाओं को बचाने की भी बात करी जा रही है, एक्चुअली मतलब जब एम्पावरमेंट हो रहा है वो एक्चुअली कोई राइट विंग इंटरवेंशन से नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली राय के अंदर जो अलग अलग संगठनों का काम रहा मूवमेंट से है
जो ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहा, तो उनकी का कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज करके आज एक राइट विंग फैसिस्ट रेजिम मतलब महिलाओं को बचाने की बात कर रही है, लेकिन हम जानते हैं कि चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, कोई भी महिला स्थिति आज जो रेजिम पावर में है उसके मतलब चॉइसेस, उसकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज पे आज लोग लगाने की कोशिश करी जा रही है। हमने मतलब माइनॉरिटीज पे अटैक साथ ये भी देखा है भारत में कि जाति के आधार पे कैसे अटैक बढ़ा है, जिसमें भी एक्चुअली महिलाएं जो इनफैक्ट मतलब हिंदू महिलाएं हैं उनका भी क्या हाल किया गया है। सवाल पर स्पेशली अगर हम इंटरकास्ट कपल्स की बात करें, किस तरीके से उस मतलब उसमें भी ऑनर किलिंग के नाम पे बेसिकली महिलाओं का क्या किया जा रहा है, तो वो एक्चुअली ना तो वो मुस्लिम महिला बचा रहे हैं और दूसरी तरफ वो हिंदू महिला को भी और मतलब खतरे में एक्चुअली वो खुद ही डाल रहे हैं, और वो यही ना चाहते हैं क्योंकि उनका एक विचारधारा है ऑलरेडी जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसी के साथ मतलब अगर जो ऑडियंस में भी लोग हैं उनका अगर कुछ हो या कुछ कमेंट हो कि दो तीन आज हमने सुने उसको लेकर तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या मतलब कोई चाहे तो वो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। काफी सारे फैसेट्स तो इस मुद्दे के फ्रॉम राइट विंग ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू पोलराइज द सोसाइटी टू द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटलिज्म इवन विद इन minority communities and why that also needs to be opposed and that opposition will come from women's movement and progressive movements and from within the community to the question of how media and other institutions have played an active role in marginalizing and targeting one particular community and women of that community to the question of actually what will then ensure the right to education. मतलब ये कॉम्रेड मल्लिगे अभी है नहीं सेशन में, उनका नेटवर्क इशू था, लेकिन एक्चुअली कर्नाटका में ही एनईपी जिस हिसाब से लागू किया जा रहा है, जो हम पिछले डेढ़ साल से स्टूडेंट मूवमेंट में उसको अपोज कर रहे हैं और उसका कुछ किया नहीं जा रहा है, वो एक्चुअली सबसे बड़ा खतरा आज के दिन में होगा सभी के शिक्षा के अधिकार पे। और जब तक वो शिक्षा का अधिकार एक्चुअली नहीं मिलेगा तब तक ही बाकी जितने मुद्दे हैं वो मतलब गैर बराबरी का हो, एम्पावरमेंट का हो, समुदाय के अंदर किस तरीके की चर्निंग हो सकती है उसका हो, या फैशिस्ट स्टेट से लड़ने का सवाल हो, इस मतलब बेसिक राइट के बिना बेसिकली आज हम आगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस अधिकार पे हमला हर तरफ से इस रेजिम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ये पर्टिकुलर इशू को ऑब्वियसली एक कम्युनल बायस में और एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, जैसा साथियों ने बोला है, मतलब ये पूरा इलेक्टोरल गेन के लिए भी किया जा रहा है और ये हमेशा से ऐसे ही करते आए, मतलब हर चुनाव से पहले ऐसा कुछ मुद्दा को एक अदर बेसिकली बनाया जाएगा ताकि असल मुद्दे पर एक्चुअली ऐसा ही करते हैं हिंदू मुसलमान का, वो एक तो पैटर्न है उनका, लेकिन अब जो उनका पैटर्न बढ़ता जा रहा है वो पैटर्न को मुझे लगता है समझने की जरूरत है। 92-93 का राइट जब हुआ था, मैं उससे पहले के भागलपुर और भिवंडी राइट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, और मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन मैंने नजदीक से 92 का राइट देखा, इसलिए मैं उसको 92-93 का राइट्स था, वो था कि सोशल और इकोनॉमिकल लेवल पर टारगेट करना, इकोनॉमिकल सोशल लेवल पर डिस्प्लेसमेंट करना, डराना, थ्रेटनिंग करना,
और आप इतना इनसिक्योर करना कि आप जहाँ पे भी रहते हो जो चल रहा है बस उसके उस तरह से जो हम जो कह रहे हैं वो अपनाओ। तो ये 1992-93 राइट्स था, लेकिन हम 2002 गुजरात जेनोसाइड देखे, वी कॉल द जेनोसाइड, तो जेनोसाइड देखे तो वो जेनोसाइड ऐसे था कि जैसे उर्दू में कहते हैं कि नस्ल को नाबूद कर देना, जमीन पर उसको उखाड़ देना, उस किस्म की भाषा, मतलब उस किस्म का पैटर्न था कि वो सिर्फ वो यहाँ तक कि मकान और घर की बात नहीं है, खेतों को, जानवरों को और प्रेग्नेंट वुमेन के उन पर भी हमला कि आपके नस्ल आगे ना जाए, जिस किस्म का पैटर्न वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से 2002 में जिनके घर थे खुद के उन्होंने, और कोई बाहर नॉन मुसलमान रेंट पे रहता था, वो सामान वो बाहर निकाल के रखते थे, रखा उन्होंने और उन्होंने घर जलाया, और जिनका घर था वो हिंदू का घर था, मुसलमान रेंट पे रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, घर को, सामान को जलाया, घर को नहीं जलाया। इतना सिस्टमैटिक उनका ये पैटर्न यूज कर रहे हैं। अगर हमने 2013 का मुजफ्फरनगर देखा तो मुजफ्फरनगर में उन्होंने एक ऐसा पैटर्न लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सॉरी बेटी बचाओ तो बाद में आया, बेटी बचाओ बहू बेटी बचाओ, और ये बहू बेटी बचाओ जो है वो जो उन्होंने पैटर्न यूज किया वो निर्भया के बाद से किया, कि 2012 में जब निर्भया का केस हुआ, इंसिडेंस हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में लोग सड़क पर आए। तो ये नफ्स उसने पहचान लिया इस फासिस्ट आइडियोलॉजी सोच ने कि बहू बेटी, बेटी के नाम से, औरतों के नाम से, उसके बॉडी के नाम से, उसकी आइडेंटिटी के नाम से कैसे हम अपना वोट की राजनीति करेंगे। और देखिए हम लोग ने हासिल भी क्या किया, 2012 में जो सड़क पर जो लोग आए थे, जो बेटी बचाओ और निर्भया के रेप के अगेंस्ट में, और उस पूरे भीड़ ने हमको यहाँ तक ला पहुंचा दिया कि उसके बाद में 2012 से लेकर जितने भी रेप केसेस हुए हैं, जितने भी कन्विक्ट हुए हैं, उसमें फांसी की सजा, उसमें कैपिटल पनिशमेंट, तो हम मतलब उस भीड़ ने एक कैपिटल पनिशमेंट की तरफ एक पनिशमेंट को का ढांचा बदल दिया। तो पैटर्न जो है अब उन्होंने 2014 में जो पैटर्न लिया था कि मुसलमानों के मर्दों पे, मुसलमान मर्दों पे टारगेट करो, 2019 के बाद में उन्होंने मुसलमान औरतों पे टारगेट करो, तो ये जो पैटर्न उनका पैटर्न वो बदल रहे हैं, उस पैटर्न को समझना होगा, वो पैटर्न को समझना होगा, जितने लोगों को उनको पहुंचाना था जेल में अब वो पहुंचा रहे हैं, अब वो हर बार हर इलेक्शन में एक ऐसा पैटर्न लेकर आएंगे जिससे हम आपस में ही आज अपने पास अपने मतलब हम इस मुद्दों के साथ उलझते जुलझते रहेंगे और वो अपना काम एक दूसरे तरीके से करते रहेंगे। ये जो उनका खतरनाक पैटर्न है, ये पैटर्न को हमें सभी उन साथियों को समझना होगा कि वो कैसे कैसे उसको बहुत बारीकी से समझे। मुझे लगता है मैं आखिर में एक और भी चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे हिंदू समुदाय के साथियों को खास करके उनको अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच में बात करनी चाहिए, क्योंकि हिजाब को लेकर, बुरखे को लेकर इतना बुरा लगता है वो क्योंकि वो बुरखा इनविजिबल है, लेकिन घूंघट है, बिंदी है, सिंदूर है और मंगलसूत्र है, ये जो रिचुअल्स हैं, इन सब जो हिंदू धर्मों के अंदर बड़े बड़े पैमाने पर नजर आता है, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक हर जगह पर, हम कितना इसके बारे में बात करने को तैयार है, हम कितना उसके बारे में क्रिटिसाइज करने को तैयार है, हम खुद कितना इंट्रोस्पेक्शन खुद करने को तैयार है कि हमारे समुदाय व परिवार में इस किस्म के रिचुअल्स को हम कितना किस तरीके से देखते हैं। अगर हम वो नहीं देख पाते हैं तो फिर हम बुरके के बारे में क्यों इतना आवाज उठाना, जब हम नहीं देखते हैं कि सेक्युलर स्पेसेस में, खास करके पुलिस स्टेशंस में, जहाँ पे मूर्तियां और भगवानों की तस्वीरों से भरा रहता है पुलिस स्टेशंस, वो तो सेक्युलर स्पेस है, पर वहां पर क्यों है? तो आप सेक्युलर स्पेस बनाना चाहते हो बुरखा उतार के, तो अपने गिरबान में तो पहले झांक के देखो कि अपने इस देश में जो सरकारी दफ्तरें हैं, जो अलग अलग जगह है, वहां पे क्या हो रहा है। तो ये बात हमें कलेक्टिवली समझना पड़ेगा, और खास करके मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी भी ये समझना पड़ेगा कि आज बुरखा है तो कल जींस और टी शर्ट के ऊपर भी बात पर भी टारगेट होगा, औरतों के कपड़ों के ऊपर, हिंदू औरतों के कपड़े पर, उनकी चॉइस पे भी टारगेट होगा, और वो हो भी रहा है रोमियो स्क्वाड जैसी चीजों पर। ताकि मुझे लगता है कि मुद्दा सिर्फ मुसलमान औरतों का नहीं है, मुद्दा औरतों का भी है, सभी धर्म की जाति की औरतों का भी है,
और वो हमारे घर में हमारे खिलाफ एजेंसियां तैयार कर रहे हैं, पेट्रियाकल एजेंसियां तैयार कर रहे हैं, वो एक पेट्रियाकल सोशल कंस्ट्रक्शंस बना तैयार कर रहे हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं कि कैसे वो पैटर्न जो है वो हमारे परिवारों में, हमारे समुदाय में हम औरतों के खिलाफ किस तरह से कैसे जा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। ये बुर्का जो है ये बहुत, मुझे लगता है कि बुर्के औरतें उतारेगी, नहीं पहनेंगी, डर के मारे पहनेंगी या रेजिस्टेंस करेगी, उसका नंबर्स बढ़ जाएगा। ये समय समय पर बदलता रहा है मुद्दा, लेकिन हमारे बॉडी को विदाउट आर कंसर्न, हमारी बॉडी को जिस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, हम कभी नहीं बोलते हैं कि हमें शादी नहीं करना है। अगर हम बोल लेते हैं तो कितना हमारे शरीर को फोर्सिबल मैरिज में डाला जाता है। बच्चा ना पैदा करो तो किस तरह से हमारी बॉडी को फोर्सिबल बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया जाता है? क्या हम उसके बारे में बात करने को तैयार है? सिर्फ उसके बारे में अगर हम बात नहीं करते तो एक सेलेक्टिव टॉपिक पर, एक सेलेक्टिव कपड़े के ऊपर हमारी सोच, हम जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम ब्रॉडली सोच ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये मुद्दा को भी अपने को कहीं तो देखना पड़ेगा। सॉरी आई टेक टाइम, थैंक यू। With that, I think हम conclusion की तरफ भी आज जा सकते हैं। 1.5 घंटे से ये session चल रहा है। पर जैसा आपने बोला कि अलग अलग स्तर पे actually patriarchy से लड़ने की जरूरत है, जिसको इस्तेमाल करके और जिसको और स्ट्रेंथ देके ही RSS BJP अपना राज चला रही है। तो उनके मूवमेंट के खिलाफ हमारा एक मतलब सशक्त आंदोलन खड़ा करने की भी जरूरत है, और ये लड़ाई अलग अलग स्तरों पे लड़ने की जरूरत है। जिस तरीके से एक मतलब होमोजेनस एक कंसेंट के थ्रू हो, क्योंकि इस तरीके का मूवमेंट के थ्रू उसने एक मास को अपने साथ जोड़ा भी है जो उसके पॉलिटिक्स में कन्विंस्ड है। जैसे पहले भी बोला कि स्टूडेंट्स के बीच कैसे अलग अलग विचार बेसिकली नॉर्मल बन गए हैं, जो एक्चुअली सच नहीं भी है। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एक्सप्रेशन ना होना, इसको लॉ के हिसाब से स्टूडेंट्स देख रहे हैं कर्नाटका में, प्रिसाइसली बिकॉज इनका जो मशीनरी है वो इतना स्ट्रांग है। तो उसके खिलाफ आज लड़ने की जरूरत है, और उसमें इस तरीके की चर्चा और करने की जरूरत है हमारे बीच भी, जो ऐसी मतलब इस राजनीति के खिलाफ एक अलग राजनीति करने में विश्वास रखते हैं उन सभी लोगों को। तो इसी के साथ, इसी विश्वास के साथ आई थिंक आज का ये डिस्कशन हम कंक्लूड कर सकते हैं, अनलेस और कुछ सवाल हो लोगों के बीच। सवाल नहीं है तो फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं। विद दैट, with the conclusion of the session, I again want to thank all the speakers who have left the meeting now. Yeah, thank you everyone. Thank you so much. Yeah.